नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हमारे विशेष निवेदन पर पधारे हैं, DIG पाली रेंज हमारे बीच में श्री प्रदीप मोहन शर्मा साहब। सबसे पहले तो शर्मा साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुलिस का जो कार्य होता है थैंक्स लेस जॉब है, हर जगह राम राज्य में भी अपराध रहे तो अब तो कलयुग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ऐसे समय में और जहाँ जो जालौर है, अभी अभी नशे के लिए आपने जैसे ही आप पधारे और नशे पर इतना कड़क आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि नशा मुक्त जालौर करने का शायद आपने कोई प्रकल्प हाथ में ले लिया, तो किस तरह से है ये, क्या कर पाएंगे और क्या हो रहा है जालौर में? मुझे बताते हुए खुशी है कि जिला जालौर के अंदर पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञानचंद जी और इनकी टीम के द्वारा नशे की रोकथाम के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है और काफ़ी कुछ उन्होंने किया है प्रिवेंशन के लिए भी। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि सिंथेटिक ड्रग्स जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है और आजकल के खासतौर से युवा जो हैं ये कोडीन, MD और इस तरह की या और कोई ट्रेबलेट्स जो हैं उनको लेकर के सिंथेटिक ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, जो एक बहुत ही एक हमारे लिए एक चुनौती बन के खड़ी हुई है। खासतौर से युवा पीढ़ी को उसको उससे बचाना हमें बहुत ज़रूरी है। समाज को एक युवा पीढ़ी से बहुत अपेक्षाएं होती है और यदि युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित होती है तो एक बहुत बड़ा नुकसान सोसाइटी को होता है। इसकी रोकथाम के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी नहीं हो रोकने का कार्य तो जारी है। साथ ही स्कूल कॉलेजेस के अंदर जन जागरण चेतना अभियान भी हम शुरू कर रहे हैं। हमारे पुलिस अधिकारियों को बताया गया है कि थाना क्षेत्र में भी वो जाएं, स्कूल में, कॉलेज में जाएं और इस ड्रग की जो भयावहता है इसके बारे में अवगत कराएं, जिससे कि खाली रोमांच के लिए या सिर्फ एक उत्सुकता के वश जो है एक बार आकर्षित लोग बच्चे होते हैं उससे वो बचें, तो बचाने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। जैसा कि पुलिस का ध्येय वाक्य है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, जैसा कि आपने बताया कि सुपरिटेंडेंट पुलिस जो हमारे हैं बिल्कुल इतना ज़मीन से जुड़ के बिल्कुल आम लोगों से आत्मसात करके, जिस तरह से पुलिस के बात पास नफरी भी बहुत कम है, क्योंकि हर आदमी, हमारे एक राजस्थानी में एक कहावत है कि रुलायोड़ो कोई भी कह देला, रमायोड़ो कोई नहीं कह, जहाँ आप अच्छा अच्छा कार्य है सब अच्छा अच्छा होता जाता है तब तक आपको कोई धन्यवाद नहीं देगा, लेकिन जहाँ कहीं भी छोटा मोटा भी काम नहीं कर पाए। तो जैसा कि मैंने बताया महिलाओं के लिए पूरा देश अभी थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी हम तो बहुत बचे हुए हैं और आपके पधारने के बाद बहुत नियंत्रित हुआ है यहाँ काम, महिलाओं के लिए क्या है और महिलाएं यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो किस तरह से पुलिस से संवाद स्थापित? देखिए, एक यहाँ मैं आया हूँ एक मोटे रूप में, बाकी सारी चीज़ें हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उसमें महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है उसकी रोकथाम के और उसके तीव्र अनुसंधान के लिए भी हम चर्चा हमने यहाँ की है जालौर के अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ आज। और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी पिछले 2 दिन पहले एक बैठक गृह विभाग के, पुलिस विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के साथ ली थी और उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और साथ ही जो मुकदमे दर्ज हैं इस संबंध में महिला अत्याचार संबंधी उनमें त्वरित अनुसंधान पूर्ण किया जाए। इसके अलावा कुछ महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कुछ योजनाएं राज्य सरकार और पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही है, उन सभी योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को अपराध के प्रति सावचेत करना, उनसे उनकी रक्षा करना और उनको एक समुचित आश्रय और आश्रय के साथ में परामर्श भी देना, यह भी है। तो इन सारी संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए, उनको काउंसलिंग की सुविधा मिले और जो यदि कोई पीड़ित है तो पीड़ित को तुरंत जो भी कानूनी सहायता है वो मिले, उसकी तुरंत FIR दर्ज हो, चिकित्सा सहायता उसको मिले, उसको मनोवैज्ञानिक परामर्श भी मिले, मदद मिले हर तरह से और कोई आर्थिक मदद भी है उस राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के मार्फत उनको मिले। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की विशेष तौर से अनुसंधान जो महिलाओं संबंधी अत्याचार है उसका अनुसंधान तीव्र गति से पूर्ण हो और अनुसंधान के साथ में न्यायालय में भी उनकी पैरवी की पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पधार करके हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बात बताई। जैसा कि मैंने आपको बताया DIG पुलिस हमारी पाली रेंज श्रीमान प्रदीप मोहन जी शर्मा साहब हमारे बीच आज हमारे स्टूडियो में हैं। मैं आपसे जाते जाते एक बात और जानना चाहूँगा कि जो युवा हैं हमारे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए मेरा संदेश ये है कि
अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें, लक्ष्य को सामने रख कर के मेहनत करें और लक्ष्य के बीच में किसी भी चीज़ को नहीं आने दें, खास तौर से सोशल मीडिया से दूर हो रहें। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल सेफ डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ा सा दूरी रखें, जितना जरूरी उतना सोशल मीडिया को यूज़ करें। दूसरा, अनुशासन बनाए रखें, अनुशासन न केवल स्कूल कॉलेज में बल्कि अपने घर के अंदर भी, और सबसे बड़ी चीज़ अनुशासन सार्वजनिक स्थानों के ऊपर। युवाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो यातायात के नियमों का पालन करें और सार्वजनिक स्थान पर अपने आचरण को अच्छा बनाए रखें। समाज के अंदर महिलाओं का सम्मान करें, बड़े बूढ़ों का सम्मान करें और जो सोशल रूल्स हैं उनके साथ में सब का पालन करें। बहुत सुंदर बात बताइए आपने कि जितने अपने अधिकार हैं उसी तरह जो कर्तव्य हैं उनका भी निर्वहन हम करें। आप यहाँ हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 90.8 FM का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि और कि उन्होंने आपने इस संदेश को सभी तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, जिससे निश्चित रूप से हमारी जो अपेक्षाएं वो पूर्ण होगी। धन्यवाद। थैंक यू।